N8 में ये टॉप मॉडल में DRLs भी हैं। तो ये है बोलेरो नई वाली जो अभी आ रही है 2023 में, ये इसकी चाबी है जी। इसको हम आपको अंदर से दिखाते हैं, पहले आप इसकी लुक देखिए, इसको मॉडिफाई किया हुआ है और बिल्कुल नई शेप में। ये देखिए इसके अलॉयज़ भी बाहर मार्केट से करा रखे हैं, शेप और अलॉय का टायर का साइज़ ये देखिए। साइड से आपको दिखाते हैं कि गाड़ी मॉडिफाई करके कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट है 12 लाख रुपए की पड़ती है। ये देखिए क्या इसका लुक आया है मॉडिफाई करके, बहुत बढ़िया लगती है। 7 सीटर है जी। ये देखिए 2 चाइल्ड सीट और बीच में यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठते हैं, 2 आगे। इसके कंट्रोल्स मॉडिफिकेशन करने के बाद बहुत ही बढ़िया। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि जब दरवाज़ा बंद करो इसकी जो नॉइज़ आती है आवाज़ बहुत अच्छी है। देखिए टायर थार वाला स्टाइल टायर पीछे, जो पुरानी बोलेरो है वो भी आती है, वो 10 के आसपास में है, 9-10 लाख रुपये की। और इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन हुई है 1500 CC का इंजन, ये देखिए सो सीटिंग बढ़िया है अंदर से भी देखिए। आपको इसके कंट्रोल्स दिखाते हैं, ये देखिए डोर जी। अब हम अंदर बैठ गए हैं, महिंद्रा की न्यू वाला लोगो और बैजिंग, ये इसके यहाँ कंट्रोल्स हैं, एसी कंट्रोल्स। इसके जो विंडो कंट्रोल है वो यहाँ पे दे रखे हैं, ये बीच में स्पेस, हैंड ब्रेक, यहाँ पे भाई ने रिमोट रखे हुए हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपका स्पेस, ये ऊपर की लाइट्स। तो अंदर बैठते ही एक ऊंची वाली फील जो आती है वो इसमें है। अब आपको मैं इसका मीटर दिखा देता हूँ, ये जी मीटर, कुछ बटन्स यहाँ पे भी हैं, और ये देखिए स्टेयरिंग कितना बढ़िया है, प्रॉपर SUV लुक। सो आजकल जो लोग चाहते हैं SUV लुक तो वो इसमें आपको मिलती है। ये देखिए कर दिया इसको स्टार्ट, आपको इसका स्टार्ट करके दिखाता हूँ नॉइज़ क्या है। ये पहले महिंद्रा का इंट्रोडक्शन, आवाज़ इसकी कर देते हैं बंद। तो पूरी LCD में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बंद कर दिया। अब इसको करते हैं जी स्टार्ट, ये होगी स्टार्ट। अभी अंदर बैठे हैं, कोई ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, डीजल पे गाड़ी है। ये देखिए और AC अभी मैंने थोड़ा सा ही चलाया था, तो मुझे तो कूलिंग अच्छी लगी, मई का मौसम चल रहा है तो कूलिंग इसकी बढ़िया है। और स्पीड देखिए कितनी स्पीड है, ज़्यादातर गाड़ियों में इतनी स्पीड होती नहीं है, डोर की 5 स्पीड है इसमें और 3 पे ही सेटिस्फाइड है बंदा। 3 की जो एयर स्पीड है ब्लोर की वो बढ़िया है, और कूलिंग 1 मिनट में कूलिंग कर रहा है बढ़िया वाली। और इसको थोड़ा सा चलाते हैं, आप इसको देखो, रिवर्स पार्किंग, सेंसर लगे हुए हैं। सो इस प्राइस पैकेज में ये चीज़ बिल्कुल बढ़िया है।
मीटर की बात करें तो आरपीएम मीटर और इन्फॉर्मेशन, ये देखिए सारा कुछ यहाँ पे है। डिजिटल नहीं है पर अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाता है, यूएसबी ऑक्स मिल जाता है, ब्लूटूथ ऑलरेडी है इसमें, सो सारे मेन चीज़ें हैं इसमें ऑलरेडी। सिटिंग की देखिए, कंफर्ट की बात करिए, ऊंची बिल्कुल है ये गाड़ी। किसी तरीके की जानकारी के लिए और कमेंट कर सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन जो होगी हम आपको देंगे। मुझे गाड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। 5 गियर इसमें, ये ऑटोमेटिक वाली नहीं है, बलेरो न्यू मैनुअल पे है। आपको इसका बोनेट भी दिखाते हैं। दोस्तों आज हैं बुलेरो नियो का हम रिव्यू कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे दोस्त सागर जी हैं जिनकी ये गाड़ी है। हेलो भाई, क्या हाल है? हेलो जी, बहुत बढ़िया। बताइए आपको इस गाड़ी के लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है जी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस गाड़ी को? पैसा वसूल कार है जी। और कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को? इसको लिए हुए 2 महीने हो गए हैं और ये लिमिटेड एडिशन है जो इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ है। अच्छा, और ये फर्स्ट कार है जो मुझे मिली थी लिमिटेड एडिशन की। अच्छा अच्छा, और काफी सारी इसमें अलग फीचर्स आए हैं। सेटिस्फाइड हो? पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड। चलो बढ़िया बढ़िया, सारे फीचर पसंद है इसमें? बिल्कुल। ठीक है ठीक है, पैसा वसूल कर रहा है? पैसा वसूल। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई को जो एसयूवी गाड़ी का शौक है, भाई ने पहले भी और दूसरी गाड़ी ले रखी थी, स्कॉर्पियो अर्टिगा ऐसी गाड़ियां हैं भाई के पास, और फाइनली भाई इस चॉइस पे आके रुके हैं। तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे गाड़ी। तो और भी किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना क्वेश्चन डालिए। थैंक यू भाई हमारे साथ में है, तो इन्होंने हमारी हेल्प करी है ये टायर चौड़े चौड़े टायर डलवाने में। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको भाई को कारों का बहुत शौक है जी, ये और ये जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये अपनी कार की ये केयर करता है। बहुत अच्छी बात है। साफ करनी या कुछ ध्यान रखना, जैसे कोई स्क्रैच आ गया तो रबी नहीं मारनी, तो हमारी केयर करेगी, तो ये बहुत एक अप्रिशिएटेड बात है, बस और कुछ नहीं है। जहाँ तक लोग आजकल सिर्फ कार अपनी सिर्फ ऑफिस जाने जाने के लिए रखे हैं, लोग गाड़ियों से प्यार नहीं होता, ये भाइयों को गाड़ियों से प्यार है। हमारे हीरा भाई भी अपने गाड़ियों को बहुत प्यार रखते हैं, जो जिस गाड़ियों से काम लेते हैं, ट्रकों का काम है इनका, उससे भी बहुत ज्यादा प्यार है। कहाँ पे मेरा ट्रक है, कौन से ट्रक रात को कहाँ खड़ा है, सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ, वैसे ही हमारे भाई जहाँ जाते हैं। तो ये गाड़ी देखो, गाड़ी पे कहीं कोई डस्ट नहीं है, रोज गाड़ी ऐसी साफ होती है, चमकती रहती है। तो गुड लेसन है आजकल के यूथ के लिए कि अपनी गाड़ी को साफ रखें और मौज करें, ठीक है जी, पैसे कमाएं और बड़ी से बड़ी गाड़ी लें।